नमस्कार, संथाल डायरी कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है, जहां पे हम संथाल परगना क्षेत्र जो झारखंड राज्य की कमिश्नरी है, जिसका मुख्यालय दुमका में है, जिसके अंतर्गत 6 जिले देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, जामतारा आते हैं। इन 6 जिलों में विकास के लिए जितने भी कदम उठाए गए हैं, इसकी जानकारी हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुँचाते हैं। दर्शकों, जैसे जैसे विश्व की जनसंख्या बढ़ने लगी, खाद्य पदार्थ की मांग ज़्यादा होने लगी और खाद्य उत्पादन ज़्यादा करने के लिए लोग रासायनिक खाद का उपयोग करने लगे, जिसकी वजह से मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हुई, प्रदूषण फैला, साथ ही साथ मनुष्य के स्वास्थ्य में गिरावट आई। जब लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ तो अपनी भूल को सुधारने के लिए उन्होंने हाथ थामा जैविक खेती का। जैविक खेती यानी इस खेती में कोई भी रासायनिक खाद का उपयोग नहीं किया जाता है, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहती है, प्रदूषण नहीं फैलता है और मनुष्य को स्वास्थ्य लाभ मिलता है। संथाल परगना क्षेत्र के किसान भी जैविक खेती की गुणवत्ता को बहुत समझते हैं। यहाँ की महिलाएं भी उसकी उपयोगिता को समझती हैं, इसलिए यहाँ की महिलाएं अचीन जीविका समूह से जुड़कर जैविक खेती कर रही हैं। आज हमारी कैमरा टीम आपको लिए चलेगी मोहनपुर देवघर। आइए मिलते हैं इन कर्मठ महिलाओं से और जानते हैं कि ये जैविक खेती करके कैसे आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। हमारे देश में महिलाओं को आर्थिक आत्मनिर्भर करने के लिए केंद्र तथा राज्य सरकार ने कई सकारात्मक कदम उठाए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी जैसे संस्थान के मदद से इन महिलाओं को स्वयं सहायता समूह बनाकर फूल खेती, सब्जी खेती, मुर्गी पालन, बकरी पालन आदि करने के लिए प्रेरित किया जाता है। साथ ही इन महिला समूह को प्रशिक्षण के साथ साथ आर्थिक मदद भी मुहैया कराया जाता है। इसका जीता जागता उदाहरण देवघर जिले के मोहनपुर गांव में ऑर्गेनिक खेती कर आत्मनिर्भर हो रही महिलाएं हैं। आज हम देवघर जिला अंतर्गत जमरो ग्राम में पहुंचे हुए हैं और यहां पर JSLPS के माध्यम से बहुत सारी ग्रामीण महिलाएं जुट कर ऑर्गेनिक खेती कर रही हैं और अपनी जीविका चला रही हैं। आज हम इनसे ही जानते हैं कि ये किस प्रकार से ऑर्गेनिक खेती कर रही हैं, किस प्रकार से इन्होंने समूह बनाया है और किस प्रकार से ये एक सफल किसान के रूप में सामने आ रही हैं। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। सब दीदी और भैया को नमस्ते। मेरे नाम कल्पना देवी और मैं दुर्गा एस जी सखी मंडल, उसमें मैं शामिल हूँ। और ऑर्गेनिक खेती जब से हम लोग ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, तब से हम लोग बहुत मैंने फायदा हो रहा है और सर लोग हम लोग को जितना बता दे रहा उतना हम लोग करते जा उसी अनुसार हम लोग चल रहे हैं। बाज़ार से हम लोग पहले खरीद के लाते थे, लेकिन अब हम लोग बाज़ार से खरीद के नहीं लाते हैं, अब खुद हाथ से बनाते हैं और हम लोग खेती करते हैं। उसमें हम लोग सब कुछ यही खेती करते हैं कि सब दीदी मिलकर हम लोग खेती करते हैं। और जैसे कि जैसे आप कीड़ा मकड़ लग गया, उसमें और कुछ लग गया, उसमें हम लोग दवा बना के देते हैं, खुद अपना हाथ से दवा बनाते हैं और नाडेप खाद देते हैं। नाडेप खाद दिए उसको, जैसे कि हम लोग पहले DAP दे रहे थे, उसके जगह में हम लोग अभी घनजीवा अमृत देते हैं। अच्छा, एक चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे आप आज तो ऑर्गेनिक खेती कर रही हैं, जी सर, लेकिन शुरुआत जो हुई थी आपका, वो किस प्रकार से हुई थी, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दें। कैसे आप लोगों ने ये JSLPS का माध्यम से आपने जुड़ी और किस प्रकार से ऑर्गेनिक खेती की ओर आपका झुकाव हुआ, इससे पहले क्या करती थी, ये सारी बातें। पहले हम लोग तो खे सर, पहले हम लोग का इतना खेती नहीं हो रहा था, जैसे कि जैसे हम लोग बाजार से खरीद कर लाते थे और खाते थे, लेकिन जैसे आप समूह में जुड़ के और हम लोग बहुत नफा हो रहा और हम लोग समूह से जुड़ के बहुत फायदा हो रहा है। दीदी आकर के बताई इस तरफ करो, इस तरफ इससे ज्यादा प्रॉफिट होगा, उसी के अनुसार से हम लोग चल रहे हैं। मोहनपुर में स्वयं सहायता समूह से जुड़कर यहाँ की महिलाएं धनिया, आलू, मटर आदि की पूर्णतः ऑर्गेनिक खेती कर रही हैं। ऑर्गेनिक खेती में इस्तेमाल होने वाले जैविक खाद भी ये महिलाएं खुद तैयार करती हैं, जिसके कारण कम लागत में ये महिलाएं अच्छा आमदनी कमा लेती हैं। जो पशुपालन को करते हैं ना सर,
तो उसमें गोबर किचन नाडे में देती है, नाडे में उसके दवाई बनाती है, जो मुँह थे छान करके रखती है सर, दवा रख करके और जो किचे गोबर है किचे मिला करके और निमास्त्र जो बनाना है तो उसी में किचे गोबर और निमास्त्र पीस करके उसको 4-5 दिन में रखा हुआ और बारी में छिड़काव कर। कीड़ा लगते हैं सर तो कीड़ा भी नहीं लगेगा, मर जाता है। अच्छा एक चीज आप बताइए कि जब आपकी शादी हुई थी उस समय आपकी जो घर की स्थिति थी और आज जब आप इससे जुड़ी हुई हैं और ऑर्गेनिक खेती कर रही हैं तो आपके जीवन में क्या बदलाव आया है इसके बारे में बताइए। बदलाव आ गया सर कि जो रहते हैं सो इस यहाँ पर रहते हैं, शादी हो गया तो सब बहुत सब प्रकार के सब चीज़ देखते हैं, बढ़ते हैं, संसार भी मजबूत होते हैं सर। एक ठो भैंस है मेरा, उसमें मैंने हम वही पाल रहे हैं, दो ठो बकरी है, दो ठो लेरू है, उसी सब हम वही से गौमूत्र बना करके दवाई में यही सब हम भी छिड़काव करते हैं, देखभाल पशुपालन का सब करते हैं। और जैसे जो मलमूत्र या गोबर वगैरह जो होता है उसका क्या करती हैं? गौमूत्र हम जैसे गौमूत्र हम एक ठो टीपा में छान लेते हैं, उसको रख देते हैं, गोबर जो होता है नाडे में डाल देते हैं। अच्छा। और उसी में 3 महीना के बाद 2 महीना के बाद उसे निकाल लेते हैं, उसके बाद खेत में छिड़काव कर देते हैं। खेत में छिड़काव करते हैं। आप क्या क्या फसल लगाए हुए हैं? हम लगाए हैं गेहूँ, लगाए हैं आलू, लगाए हैं प्याज का गाछू पर आए हैं, वही सब पार दिए हैं। तो ये JSLPS के माध्यम से आपको क्या क्या सुविधा मिल रही है अभी? यही खाद से हमको, यही हम भी खाद यही उपचार किए, दीदी से जुड़े इस समूह में, तो हमको भी इसमें प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है। क्या कैसा प्रॉफिट हो रहा है, किस प्रकार से आपको फायदा हो रहा है? जैसे पहले DAP और यूरिया बाजार से खरीद करके लाते थे तो उसमें देखते थे, छिड़काव करते थे तो सब आधा से आधा गल जाता था, बारी में ही मर जाता था। तो दीदी एक दीदी आकर के बताई इस तरफ करो इस तरफ करो, तो आकर के हम उसी तरफ करने लगे, तो देख रहे हैं उससे मेरा कोई नुकसान नहीं हो रहा है। मोहनपुर में ऑर्गेनिक खेती करने के कारण आज इन महिलाओं की आर्थिक स्थिति पहले से बहुत ही बेहतर हो गई है। अब घर के राशन पानी से लेकर बच्चों के पढ़ाई लिखाई तक के लिए इन्हें पैसे की कमी नहीं झेलनी पड़ती है। सर पहले हम खेती जो करे छलिए ओकरा में यानी छलिए DOP खाद, यूरिया खाद, पहले DOP खाद दे गहूँ अलुआ बुने छलिए, तकर बाद फिर यूरिया खाद दे छलिए और पानी नहीं कूले छलिए कुआँ तो मरी जा छलिए गहूँ, और अब से दे छिए क्यारी बने दे छिए और गोबर दे कर पारे छिए, गोबर दे पार लिए और गोबर गौमूत्र और गुड़ दे गया और बना लिया और मशीन जो मिल लो छो उकरा छिड़कानी कर लियो, छिड़कानी कर लियो उकरा से हरा रह गलो, तकर बाद निमय स्तर दे लियो और गौमूत्र और गोबर दे डबका लियो, डबके गया रख लियो और फिर जखन कीड़ा लगे के समय रहा 5 दिनों बाद निकाली और सब में छिड़कानी कर लियो सब। हाँ तो अब तो काफ़ी जो आपका जो खेती है हम देख रहे काफ़ी लहलहा रहा है। हाँ तो इससे तो काफ़ी फायदा हो रहा होगा। हाँ सर फायदा अभी हो गए, बेसी उपजा हो लगले सर, उपजा होले अब लगी हटियो बाजार में बिक्री होवे छे, नॉन तेल तेल साबुन सब हमको निकली जाए छे, और तखन से सास ससुर जे दे छले वह खाए छलिए, एगो साबुन 8 दिनों में दे छले वह लगे छलिए, जे खाना दे छले वह खाए छलिए, आब एक ग्रुप हम जुटलिए दीदी सब आले सभी बताए लगले सर से नहीं तो हमने अपना हाथ गोड़ लगा लिए, खटे कमे लगलिए तो रोज नहाए लगलिए, रोज खाए लगलिए, रोज तेल साबुन लगाए लगलिए, 2 टका हाथों में रही लगलिए, बिल्कुल दस्खत करे सीखलिए सर, सौंसे देश भूलिए लगलिए, तखन नहीं दे छले लगे जल बहू बेटी को ने घरों से बाहर आई। हम लोग 2018 में JSLPS में जुड़े हैं और हम लोग सबसे पहले दीदी को ग्रुप बनाए हैं, 6 ग्रुप सबसे पहले 6 ग्रुप बना, 6 ग्रुप बना के उसमें 3 दीदी का चयन हुआ, AW और AKM और APS 3 दीदी का चयन हुआ, 3 दीदी का प्रशिक्षण मिला, जाके प्रशिक्षण लेके आए, उसके बाद हम लोग गाँव में दीदी लोग को बताते हैं, जब से हम लोग का प्रशिक्षण मिला है कि ऑर्गेनिक खेती इस तरह होता है। सबसे पहले DAP यूरिया का खेती होता था, बाज़ार से लोग खरीद के लाते थे DAP यूरिया, और हम लोग घर में ही दवा बनाते हैं, जब से हम लोग का प्रशिक्षण मिला है तब से हम लोग यहाँ आके दीदी लोग का बताते हैं और दवा बनवाते हैं और खेत में छिड़काव करते हैं। और क्या क्या बताती हैं उनको? जैसे सबसे पहले नाडे तैयार करवाते हैं, उसमें गोबर डलवाते हैं, नाडे जब तैयार मेरा हो जाता है तब खेत में डलवाते हैं, खेत में डलवा के उसके बाद जुताई करवाते हैं, उसके बाद बीज उपचार करवाते हैं, बीजामृत बनवाते हैं, उसके बाद बीज उपचार करवाते हैं।
अच्छा एक चीज़ और हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे जो आप शुरुआत जब की होंगी यहाँ के किसानों को महिलाओं को जब जोड़ी होंगी तो उसमें क्या क्या परेशानी आई? उसमें परेशानी आई तो दीदी लोग आई ऐसे ग्रुप बना दी, ग्रुप बना के उसके बाद तो ग्रुप चलने लगा, जब ग्रुप अच्छा से चलने लगा उसके बाद हम तीन दीदी का चयन हुआ, उसके बाद हम लोगों का प्रशिक्षण मिला, प्रशिक्षण जब मिला तब आके दीदी लोग का बताए, तब तक फिर बाहर से दीदी लोग भी आई हम लोग का मदद किया कि ये दवा ऐसे बनाना है, दवा ऐसे बनाना है। आज के युग में महिलाओं की शिक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता पर विशेष बल दिया जा रहा है, महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा रहा है तथा उनके अंदर के व्यवसायी और प्रबंधक को जगाया जा रहा है। नहीं, सबसे पहले तो हमारे जो है स्टेट लेवल से सपोर्ट के द्वारा वहाँ से दूसरे जिला में जहाँ पे दीदी लोग अच्छे से ऑर्गेनिक कर रही हैं वहाँ की दीदी यहाँ पे ड्राइव मोड पे यहाँ पे आई और इस एक गांव में 5 दिन रह के वो दीदी को इसी गांव में रह के सिखाई और सिखाने के दौरान जो परेशानियाँ आई सिखाने के दौरान कि लोग शुरू में जो है रासायनिक खेती करते थे, रासायनिक खेती से वो लोग ऑर्गेनिक खेती करने को तैयार नहीं हो रहे थे जी। इवन वो लोग को ताज़ा बाज़ार में जो है DAP यूरिया मिल जाते थे, ये लोग गोबर को उठा के गोबर का खाद बनाने को भी तैयार नहीं हो रहे थे, तो उनको बहुत तरह से मोटिवेशन भी दिया गया। उसके बाद फिर उन लोग को इसका एक बार बताया गया कि एक बार आप प्रयोग कीजिए, प्रयोग करने के बाद आपको लाभ मिलेगा, फिर आप अपने आप कीजिएगा। तो ये इन लोग का दूसरा साल है, पहला साल ही लोग मतलब इस गांव में जमरो जो गांव है इस गांव में पहले साल में 30 महिलाएं जुड़ी थी, अभी जो जुड़ गई हैं ये 60 महिलाएं इसमें जुड़ी हुई हैं। हमें हल्का से ज़्यादा खुशी होती है, काम तो किसी को करना है, जेंट्स बाहर के काम कर रहे हैं, महिला खुद अगर अपने खेत को और ये सब चीज़ को देख रही हैं तो महिलाओं के साथ मिल के पुरुष भी अगर उसमें कहीं सहयोग कर दे रहे हैं, जैसे साग सब्जी ये लोग देख के उपजा रही हैं लेकिन बाज़ार में वो ले जाके बेच रहे हैं। हम लोगों की एक समस्या ये ख़त्म हो गई कि कहीं पर प्रचुर मात्रा में पोषण जो एक समस्या रहती थी पहले वो दूर हो रही है, दूसरा इनकी आजीविका ये हो रही है, तीसरा पूरा परिवार इन्वॉल्व है और कहीं पर किसी तरह का किसी को दिक्कत नहीं है और सब खुशहाल ज़िंदगी जीने के लिए तैयार है। इनको सहयोग क्या क्या आप लोगों के माध्यम से मिलता है? हमारे द्वारा इनको प्रशिक्षण मिलता है, इनको बीज जब सरकार के द्वारा प्राप्त होती है तो बीज देते हैं, बीच बीच में इनका मोटिवेशंस किया जाता है, साथ ही साथ जब इनको किसी तरह की आवश्यकता होती है तो इन फील्ड लेवल पर भी इनको हेल्प किया जाता है, साथ ही हम लोगों का जिला स्तरीय भी नंबर इनके पास है, ये हम लोगों से कॉन्टैक्ट करते हैं, जो समस्या होती है उनका समाधान तत्काल करने का प्रयास। तो दर्शकों आपने देखा कि अचीन जीविका समूह की महिलाएं कैसे जैविक खेती का हाथ थाम कर अपने हाथों की लकीर बदल रही हैं। सन 1901 में विवेकानंद ने उत्तराखंड के अंतिम यात्रा में कहा था कि अगर हम जैविक खेती करें और अगर उसके उत्पादन को इस्तेमाल करें तो हमारा जीवन तनाव मुक्त और खुशहाल हो सकता है। जब हम तनाव मुक्त जीवन की बात कर रहे हैं तो संगीत को कैसे भूल सकते हैं। कहते हैं संगीत तनाव को कम करने में जादू का काम करता है। यही एक खास वजह है कि हमने संथाल डायरी कार्यक्रम में संगीत को एक खास जगह दी है। तो आइए हम सभी आनंद उठाएं। लोकगीत का कलाकार है अनिल मुखिया एवं साथी। Tangi le pe sori sa jam dari butre yu ay ay ay, ha pe si o tangi
कैसे हो तंगी में करी सजामदारी बुटरे युवा हाय हाय हाँ पैसे हो तंगी ले पैसरी सजामदारी बुटरे
दर्शकों, वक्त आ गया है कि हमने डायरी के पन्नों को यहीं पे बंद करें और हमें पूरी उम्मीद है कि अचीन जीविका समूह की महिलाओं से मिलने के बाद आपको ये प्रेरणा मिली होगी कि आप जैविक उत्पादन को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। अगले अंक में फिर हमारी ये डायरी खुलेगी संथाल परगना क्षेत्र की जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।